स्पॉन्सर्ड बाय ओजांक आईएएस एकेडमी, देश की नंबर वन आईएएस एकेडमी। हमरा माँ के आँख से आंसू ना गिरे के चाही, कोई लोर के पूछ भैया ये बरा नहीं खेलो को धमरा का बच्चा रात भर आँख से आंसू गिरे, आँख बनल दोनों बजा तो आँख से उतना लौकत भी नहीं। सोच देखलावत रहल है आवाज दबावे लायक उनकरा के फंसा के उनकरा के दूसरा राज्य में कोई लेबा। मजदूरी के लिए कोई नहीं है, एक मनीष भैया थे जो आवाज उठाए करीब उनको देखते हैं क्या कि क्या हालत कर दिए सब। अगर तेजस्वी आदमी इतनी दम होती लालू में तो नौमी पास तो करा देते। यहाँ तेजस्वी सरकार जो है यहाँ मौका बन गया है। तो बिहार सरकार पूरी तरह इस समय डरी हुई है। मनीष कश्यप अगर अपराधी है, गद्दार है, जो कुछ भी आप कहिए अगर है तो ये सब भी दूध के धुले हुए नहीं, ये सब भी गद्दार है। गरीब के हक खाती लड़े ले लड़ैया, 24 में सीएम बनी है मनीष भाई। मनीष कश्यप का मुद्दा बीतते वक्त के साथ कम होने के बजाय गर्म मुद्दा बनता जा रहा है। सोशल मीडिया पर मनीष को लेकर क्यों छिड़ी बहस, मनीष की मां ने क्यों कहा अब कोई मां न दे भगत सिंह को जन्म, मनीष के भाई ने ऐसा क्या कहा मनीष के लिए जिसे सुनकर आप हो जाएंगे हैरान, मनीष की मां का फिर से छलका दर्द, बताएंगे आपको सब कुछ विस्तार से। कपिल सिब्बल को मनीष के समर्थकों ने क्यों सुनाई खरी खोटी ये भी बताएंगे। मनीष के फैंस की नाराजगी और बढ़ी, महिला फैंस ने मनीष के लिए फिर गाया गाना। ले चलूंगी आपको मनीष के मास्टर जी के पास, बताऊंगी आपको पूरी कहानी, लेकिन करिए थोड़ा इंतजार क्योंकि एक समर्थक ने बकायदा वीडियो जारी कर मनीष के लिए क्या कुछ कहा यह भी आपको बताऊंगी विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। इस शो को शुरू करने से पहले आप सबसे एक गुजारिश है, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप सभी को नए वीडियोस और नए प्रोग्राम के नोटिफिकेशंस मिल जाएं। एक खास बात है, इंडी टाइम्स को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया शुक्रिया और बेहद शुक्रिया, क्योंकि आप सभी तो हैं जो हमारे हौसले को उड़ान देते हैं, तभी तो हम हर रोज कुछ नया और अच्छा दिखाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर। मनीष कश्यप की रिहाई की आस में परिवार की आंखें पथरा सी गई हैं, हिम्मत जवाब दे रही है, माँ ने 20 दिनों से खाना नहीं खाया है। मनीष की माँ रह रहकर उस दिन को कोस रही है जिस दिन उसने अपने लाल को देश की सेवा में लगा दिया। माँ उस दिन को कोस रही है जब उसे गरीबों मजलूमों के आंसू पोंछने और अपनी सारी कमाई दान देने को प्रेरित किया। माँ कहती है ये सब उसी ईमानदारी की तकलीफ है, माँ के आंसू नहीं रुक रहे हैं। हिम्मत हार चुकी माँ कहती है बस एक बार मेरा बेटा मेरे पास आ जाए, कहीं उसे जाने नहीं दूंगी। मनीष की मां ने कहा अब कोई मां भगत सिंह को जन्म ना दे क्योंकि सच की लड़ाई ने बड़ी तकलीफ दी है, अब मैं टूट गई हूँ। मनीष के मौसेरे भाई ने बताया कैसे तकलीफ में है पूरा परिवार, देश की सेवा की है मनीष के दादा ने, मनीष के पिता ने करगिल का युद्ध लड़ा है, मनीष ने सच की लड़ाई लड़ी और बदले में उसे जेल मिला। मनीष का छोटा भाई भी टूट गया है, मनीष के भाई कहते हैं अब उसे भले ही बिठाकर खिलाना पड़े लेकिन उसे अब अपने से दूर नहीं जाने दूंगा, ना कोई काम करने दूंगा, ना उसे सच की लड़ाई लड़ने दूंगा। तकलीफ अथाह है, माँ व्याकुल है, बेटे को सीने से लगाने के लिए उसकी राह देख रही है। मनीष के बिना तड़पती माँ आजकल दिल्ली आ चुकी है, उसे लगता है बेटा जल्दी छूट जाएगा तो सबसे पहले अपने बेटे से मैं मिलूंगी। सोच देखलावत रहल है आवाज दबावे लायक उनकरा के फंसा के उनकरा के दूसरा राज्य में कोई लेबा, लेकिन भगवान जन करो से अब कोई के घर में भगत सिंह जन्म, रात दिन आगे में धनकत रहनी भगवान कोई के मत हम 10 दिन के पहले हम चले हम कुछ हम गलती नहीं कोई हम अपना लग कुछ नहीं कि कोई हम सब पूरा लोग लग हम कोई ले बनी तो रुआ जो हम 10 दिन में चले हम लोग बिल्कुल बिखर चुके हैं, हम लोग को नहीं लड़ना है किसी से, हम लोग को बिल्कुल नहीं लड़ना है, हम सरकार से भी बोल रहे हैं कि हमको नहीं लड़ना है आपसे। मैं मनीष को भी आएगा तो मैं बोल दूंगा कि हाँ तू एक काम कर, हाँ जब मैं खर्च चलाऊंगा मेरे बाप खर्च चलाएंगे लेकिन तू रहने दे। अब भगत सिंह भगवान दुश्मन के घर में जन्म पैदा थे,
जेंगे हम आगे में रात दिन धनको तनी वैसन भगवान दुश्मन के जन धनका हो सर रात दिन कोरिज माग धनको तो हमारा बेटा। मनीष कश्यप के समर्थकों की फेहरिस्त लंबी है। उनको जेल से छुड़ाने का विरोध हर बीतते दिन के साथ और तेज हो रहा है। फैंस मनीष कश्यप को जेल से बाहर कैसे लाया जाए उस रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनका कहना है 21 अप्रैल तक उन्हें इंतजार है, उसके बाद आंदोलन होगा। मनीष के एक फैन ने ट्विटर पर एक वीडियो बनाकर देश के लोगों और देश के पत्रकारों से अपील की है कि सभी लोग आगे आएं और मनीष जैसे सच्चे पत्रकार को जेल से बाहर लाने में मदद करें। इस समर्थक ने अपने वीडियो में यह भी कहा है कि देश में लोग कहते हैं सच्चे पत्रकार नहीं हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि जब सच्चे पत्रकारों पर ऐसे ही कार्रवाई होती रहेगी तो ईमानदार पत्रकारों की कमी तो देश में हो ही जाएगी। उप मुख्यमंत्री और उसके बॉस जो प्रधानमंत्री के बनने के प्रेम में पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया है उसका, वो दो कौड़ी का मुख्यमंत्री और वो उप मुख्यमंत्री ने उसे फर्जी केस बना करके जेल में डाल दिया है। भारत के पत्रकारों, अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी अंतरात्मा मरी नहीं है, तुम्हारी ईमानदारी थोड़ा सा भी बची है, तो मनीष कश्यप का साथ दो और देश के वकीलों को भी जजों को भी उसका साथ देना चाहिए। फर्जी केस में अगर इसी तरह से पत्रकारों को फंसाया जाता रहा तो ईमानदार पत्रकार कहाँ से पैदा होगा। धंधेबाज पत्रकार तो बहुत है हमारे देश में जो धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, इसलिए मनीष कश्यप का साथ देना चाहिए। मनीष कश्यप जैसे पत्रकार हर प्रदेश में हो, दो दो चार चार, तो इस देश ही सुधर जाए। मनीष के समर्थकों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। बिहार सरकार और डिप्टी सीएम से उनकी नाराजगी अपने चरम पर है। मनीष के यूपी वाले फैन का गुस्सा भी कुछ ज्यादा ही देखने को मिला। मनीष कश्यप एक इंजीनियर कंपटीशन करके इंजीनियर बना है, वो तुम्हारी तरह नहीं बना है कि बाप सीएम और माँ को दूध काटना नहीं आता चौका लगाना। हमारे देहात में क्या होता था, पहले मिट्टी के चूल्हे होते थे, उसमें एक पोता पाती होती, वो भी करना उसे नहीं आता था राबड़ी देवी को, मैं सीएम बना दी। अगर तेजस्वी यादव में इतनी दम होती लालू में तो नौवीं पास तो करा देते भैया, नौवीं पास तो हम भी करा देंगे। स्कूल में कहीं नहीं करा पाए क्योंकि वो पास ही नहीं हुए। एक गरीब आदमी है, वो एक पत्रकारी करता है, ये लालू का टीम और नीतीश कुमार जो है ना, ये बेमतलब का उसका बिजली गिरा दिया उसके ऊपर। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आने वाले टाइम में उसका जो है ना बेपेंदी के जो लोटे हैं ना, इसके पेंदी से लोटे में से सारा कुछ गिर जाएंगे ये, इसीलिए जो है उसको कहा भाई इसको ऐसे का मुंह को बंद कर दो, अगर नहीं बंद करोगे तो हमारे कमर खोद देंगे। मनीष भैया होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जो हुआ है वो गलत हुआ है। लेकिन ये हमारा नेताओं लोग जो है ना, वो लोग हम लोग के परेशानी नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, नहीं समझेगा, वो खाली अपना पेट भर हुआ है। अगर हम लोग को बिहार में अगर रोजी रोजगार मिलता तो हम लोग इतना दूर नहीं ना जाते। हमारा बिहार सरकार जो है ना बहुत कमजोर है, मजदूरों के लिए कोई नहीं है। एक मनीष भैया थे जो आवाज उठाए गरीबों को, उनको देखते हैं क्या क्या हालत कर दिए सब। मनीष कश्यप की महिला फैंस भी काफी ज्यादा हैं। कुछ ने सरकार से नाराजगी दिखाई तो कुछ ने मनीष के लिए फिर से गाना गाया है। बिहार सरकार बुरी तरह इस समय डरी हुई है। अगर सरकार कुछ गलत कर रही है और वो जनता के सामने ला रहे हैं तो ये सच्चाई ही तो लाना है। इस तरह के सच्चाई लाने के लिए हम उस पत्रकार को सपोर्ट करते हैं जिसमें पत्रकार बाद में साफ सुथरे निकल कर वापस आए, और ये भी आएंगे, और बिहार की जो सरकार है उनके कच्चे चिट्ठे फिर खोलेंगे, समय आएगा, परिवर्तन होगा, मनीष भी बाहर आएंगे और सरकार के घोटाले भी उजागर होंगे और तख्ता भी पलटा जाएगा। सच्चाई इंसान होवे गरीब के आवाज हो, आइल मुसीबत बाटे उनका पयाज हो, नजर लगावाले बा कवनो मुदैया, भोले बाबा करिया भोलैया मनीष भैया के।
काहे मनीष भैया के भइल जेल हो, निक नहीं लागता का नून के ही खेल हो, गरीब के हक खाती लड़े ले लड़ैया, 24 में सीएम बनी है मनीष भैया, 24 में सीएम बनी है मनीष भैया, नहीं समझ आवे कुर्सी के शासन, गुंडा मावाली के न रोके परे शासन, कमी सुधारत रहले पूरा बिहार के, काहे फसावल गइल नेक पत्रकार के, गरीब के हक खाती लड़े ले लड़ैया, 24 में सीएम बनी है मनीष भैया। बीजेपी नेता ने भी मनीष पर हुई कार्रवाई पर जमकर नाराजगी दिखाई। वहीं मनीष के मास्टर जी जिन्होंने मनीष को पढ़ाया था वो भी मनीष पर हुई कार्रवाई से काफी नाराज दिखे। और विकास की अनदेखी करके और जिस जंगल राज की मुक्ति के लिए भाजपा के गोद में बैठे थे उसी जंगल राज को पुनः स्थापित करने के लिए जाकर के उन जंगल राज स्थापितों के जो नेता थे लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव उनके गोद में बैठ करके और आज बिहार में पुनः जंगल राज स्थापित कर दिया। आज सरेआम डकैतियां हो रही है, लूट हो रहा है, हत्या हो रही है और उन लुटेरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, उन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है और कार्रवाई हो रही है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जो मजबूत लोकतंत्र को स्थापित करने में सहयोग करता है मीडिया, उस मीडिया के लोगों पर कार्रवाई हो रही है, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि मनीष कश्यप अपराधी है, मनीष कश्यप आतंकवादी है, मनीष कश्यप झूठा है, मकार है, मतलबी है, सब कुछ है, मान लिया मैंने आपकी बात को, तो क्या अर्णव गोस्वामी देवता थे, चौधरी साहब का देवता थे, अंजना ओम कश्यप क्या देवी थी, जो इन लोगों ने जो कहानी बनाई, सुशांत सिंह राजपूत का केस तो आपको याद होगा जी, बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह सारा कुछ ही दिनों के बाद टीवी चैनलों ने सब कुछ दर्शा दिया, सच्चाई क्या थी वो सब कुछ दर्शा दिया, मैं उस पर नहीं जाने जा रहा हूँ, लेकिन किस तरह से अफवाह का दौर उस वक्त गर्म किया गया और अर्णव गोस्वामी की तरफ से, क्या उस वक्त बिहार और महाराष्ट्र को लड़ाने की साजिश नहीं रची गई थी जी। तो आज क्यों साजिश आपको नजर आ रही है, क्योंकि वह दिल्ली से बैठ करके अपना न्यूज चलाते थे, यानी केंद्र सरकार का सौ प्राप्त था उनको और इसको किसी का सौ प्राप्त नहीं है, इसलिए इसके ऊपर मनीष कश्यप अगर अपराधी है, गद्दार है, जो कुछ भी आप कहिए अगर है तो ये सब भी दूध के धुले हुए नहीं है, ये सब भी गद्दार है, इनके ऊपर भी ऐसा लगा। कपिल सिब्बल आजकल सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि उनकी बयानबाजी देश के लोगों के गले नहीं उतर रही है। मनीष कश्यप मामले में वो तमिलनाडु के पक्ष में केस लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने मनीष कश्यप को देश के लिए खतरा बता दिया था, इसी बात पर पूरे देश के लोगों और मनीष के फैंस ने उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर लताड़ लगाई थी, मीडिया के सामने भी लोगों ने कपिल सिब्बल को जमकर कोसा था। अभी ये मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि फिर से कपिल सिब्बल ने ऐसा कुछ बोला जिससे ट्विटर पर लोगों ने जमकर उन्हें ट्रोल कर दिया, और देखिए किस तरह से कपिल सिब्बल के बयान पर लोगों ने उन्हें ट्रोल करना शुरू किया। दरअसल यूपी एसटीएफ ने माफिया आतिक अहमद के बेटे असद को गुरुवार को एनकाउंटर में मार गिराया, असद के साथ शूटर गुलाम भी ढेर हो गया। असद और गुलाम उमेश पाल मर्डर केस में आरोपी थे, असद और गुलाम को जिंदा पकड़ने की कोशिश की गई थी मगर इन्होंने एसटीएफ की टीम पर फायरिंग की, उसके बाद एनकाउंटर में दोनों को मार गिराया गया। इस एनकाउंटर के बाद जहां आम जनता ने यूपी सरकार और यूपी एसटीएफ की जमकर तारीफ की क्योंकि यूपी में माफिया आतिक अहमद का सालों से खौफ था, इस एनकाउंटर के बाद विपक्षी पार्टियों ने इस पर राजनीति शुरू कर दी। कपिल सिब्बल भी कहां पीछे रहने वाले थे, इन्होंने भी बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की। कपिल सिब्बल ने माफिया आतिक के बेटे असद के एनकाउंटर का विरोध किया, इतना ही नहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि एक नौजवान जिसकी उम्र 19 साल है वो देश की सुरक्षा को कैसे खतरे में डाल सकता है। वाह कपिल सिब्बल जी वाह, क्या खूब कहा आपने, एक माफिया का बेटा जिसके ऊपर हत्या का आरोप था, बाप यूपी का माफिया था उसके ऊपर भी हत्या का मामला चल रहा था, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका था कैसे उमेश पाल की हत्या की गई, लेकिन कपिल सिब्बल साहब को तो हत्या का आरोपी असद मासूम लगता है, देश के लिए खतरा नहीं लगता। Because he is threatening the security of the country. But an individual, a young boy, Asad, whose age is 19, how can he threaten the security of the country?
अगर आपको उसने इफ यू वांट टू कैच हिम हिट हिम ऑन द लेग प्रोसिक्यूट हिम द होल प्रोसेस ऑफ द लॉ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हु शुड बी अरेस्टेड हाउ लॉन्ग शुड ही बी इन जेल what are the basis on the way, what is the basis on which he should be kept in jail though there are some judgments of the supreme court but I think they need to be tightened and I think that the administration must be brought to task kapil sibal sahab aap bhul gaye hain shayad manish kashyap jo bhrashtachar ke khilaf awaaz uthata raha wo aapko desh ke liye khatra lagta hai lekin jis par hatya ka aarop ho wo aapki nazar mein masoom hai कहां से लाते हैं आप ये दोहरा चरित्र याद है ना सुप्रीम कोर्ट में आपने चीख चीख कर मनीष को देश के लिए खतरा बताया था क्योंकि आपकी जो लेफ्टिस्ट विचारधारा है उसकी कलाई खुल गई है क्या यह मान लिया जाए जो असद सीसीटीवी में उमेश पाल पर गोलियां बरसाता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपकी नजर में मासूम इसलिए है क्योंकि वो मुस्लिम है और मनीष कश्यप पर एनएसए की हिमायत आप कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू है क्योंकि मनीष कश्यप हिंदू है इसलिए वो आपको देश के लिए खतरा लगता है क्या यही है आपकी सोच मान लीजिए मुझे आपकी बात गलत लगी अब देखिए ना आपके बयान के बाद जो बाढ़ आई है आपके विरोध की उस पर आप क्या कहेंगे कपिल सिब्बल ने जैसे ही असद की हिमायत करते हुए कहा कि वो देश के लिए खतरा नहीं था उसके बाद कपिल सिब्बल को जमकर ट्रोल किया गया एक यूजर ने लिखा बिहार के पत्रकार मनीष कश्यप राष्ट्र के लिए खतरा था क्या जो बिहार और तमिलनाडु सरकार ने मिलकर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया एक अन्य यूजर ने लिखा AK-47 वाले देश के लिए खतरा नहीं लेकिन मनीष कश्यप जैसे लोग खतरा हैं क्यों वकील साहेब आप ही हैं ना उनके खिलाफ वकील गजब लोग हैं सिब्बल जी भी राघव नाम के एक यूजर ने यहां पर कपिल सिब्बल को ट्रोल करते हुए कसाब का हवाला दिया वहीं सुबोध नाम के यूजर ने कपिल सिब्बल को ट्रोल करते हुए लिखा कि आपकी सोच की वजह से ही पाकिस्तान जैसा आतंकी देश ने भारत पर हमले किए यही हाल देश के अंदर बना दिया माफियाओं को टिकट देकर आम जनता को दहशत में रखा आज जनता खुश है तो आपको देखा नहीं जा रहा है राजू उमेश पाल पालघर हत्या में आप कहां थे वहीं राकेश नाम के यूजर ने लिखा एक अपराधी जिसने सरे राह दिन दहाड़े गवाह उमेश पाल और उसके दो पुलिस वाले गनर की निर्मम हत्या कर दी लगातार 49 दिनों तक फरार चल रहा था आरोपी साथ में एक सहायक और दोनों हथियारों से लैस थे अगर उसकी मानसिकता गिरफ्तारी की होती तो फरार ही क्यों होते कहीं जाकर खुद सरेंडर कर देते कपिल सिब्बल जी ये मत भूलिए जनता है सब देख रही है और समझ भी रही है क्योंकि जनता अब जागरूक है आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में कमेंट बॉक्स में कमेंट करें वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें आप अपनी आवाज हमारे फेसबुक पेज पर भी उठा सकते हैं हमारा फेसबुक पेज है इंडी टाइम्स पेज को लाइक और फॉलो करें और अपनी आवाज बुलंद करें नमस्कार